Hey, hi, Rishita, how are you? I'm fine. Hey, great to see you, यार मजा आ गया देख के तेरे को. तुमको भी देख के बहुत अच्छा लगा. और ऑफिस तो बहुत झकास बनाया है. बस यार ऑफिस जैसे बनता है वैसे बनाया है. मतलब फिर भी बहुत सुंदर है. ग्रेट, थैंक यू सो मच यार. थैंक यू सो थैंक्स. थैंक्स क्या मतलब? मतलब क्या क्या आप कर रहे हो आजकल? मतलब कैसे इतना कुछ कर लेते हो? तो मतलब CA कर लिया, MBA कर लिया, SAP कर लिया, मतलब कैसे ये सब? From being a student of science. देखो, who's talking? तुम क्या कम हो? तुम कहाँ पे कम थी? तुम हमेशा तुम जैसे दो कदम आगे थी. नहीं नहीं, पर तुमने तो बहुत अच्छा कर लिया. मतलब साइंस बैकग्राउंड से होके मतलब इतना कुछ अचीव करना अपनी तो हमारा टेस्ट तो पहले ही से ही सेम सेम है. हे बड़ी, दो कॉफी लाना यार. हाँ, और कुछ और है तो ले आना. हाँ, बहुत पुरानी दोस्त आई है. सो वेरी ओल्ड टाइम फ्रेंड. वी वर इन स्कूल एंड देन वी वर इन कॉलेज आल्सो. ग्रेट यार, थैंक यू. और बताओ, आजकल तो बहुत सेशन ले रहे हो, मतलब मोटिवेशन. तुम्हारी स्पीचेस भी मैंने देखे हैं, मतलब बहुत अच्छा बोलते हो. इतना मतलब स्पोर्ट्स है, सिंगिंग है, फिर मोटिवेशन, मतलब क्या क्या लाइफ में कर रहे हो आजकल? मतलब कोई फील्ड छोड़ा नहीं है तुमने ना यार. फील्ड ऐसा है ना कि जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज आती है ना, हाँ. बस कुछ कुछ हिट एंड ट्रायल हुआ, कुछ दैट स्टार्टेड वर्किंग फॉर मी, तो इट क्लिक्ड एंड I landed on a plane of success. No. This is great. लेकिन बहुत अच्छे मतलब तुम्हारे sessions speech के वाह. मेरे sessions कहाँ तुमने देख लिए? Online मैंने देखे तुम्हारे sessions. Oh my god, अच्छा वो online था. इतना अच्छा था, मैंने मतलब कुछ ही देखा है, मुझे लगा मैं सारे session तुम्हारे देख जाऊँ, इतना अच्छा लगा मुझे. Thank you so much, thanks a lot. और अब चलो, इतना अच्छा तुम बोलते हो तो थोड़ा कुछ ऑडियंस को भी बता दो, मतलब ताकि लोगों को भी लगे कि हाँ इतने अच्छे इंसान आज तुम मिलने आई हो. और आज ही हम पहले अपना सेशंस का बताना स्टार्ट कर दें तो और क्या, मतलब लोगों को भी तो तुम्हारा फायदा मिलना चाहिए ना. इतना अच्छा मोटिवेशन देते हो, लोगों के बीच में कितना मोटिवेशन का कमी होता है तुम्हें भी आजकल पता. पूरा स्ट्रेस में दुनिया चल रहा है, पेंडेमिक के बाद तो और हालत खराब हो गई. लोग डिप्रेशन और क्या क्या लोगों को परेशान कर रही है. अब तुम जैसे लोग मोटिवेशन नहीं दोगे तो कौन देगा? नहीं, मोटिवेशन में तो एक सेफ लोग है, अरिंदम भाई है और संदीप माहेश्वरी और खेरा साहब. हम लोग तो कहीं पे स्टैंड नहीं करते हैं. बट ऑफकोर्स हाँ, ऑन अ सीरियस नोट, ऐसा हुआ है, आई टेल यू व्हाट, कि कुछ कुछ लोग ऐसे डिमोटिवेटेड थे अदर देन बीइंग ऑन सेशंस. वो आए मेरे पास, उनके पेरेंट्स भी आए थे. और ऐसा हुआ ना कि मतलब टू माई सरप्राइज, मतलब इट वॉज एब्सोल्युटली अ सरप्राइज, उनके पेरेंट्स भी वापस आए ना, मिठाई उठाई लेकर आए कि आपने 10 मिनट का सेशन दिया उसको एंड ही हैज क्लिक्ड एंड ही हैज पास्ड हिज एग्जाम्स. ओह माय गॉड, मेरे को दिस इज अ यू नो बिग थिंग फॉर मी कि ऐसे हाउ कैन दिस हैपन. तो वो लड़का भी, लड़के भी आए दो तीन और कैनिक. तो फिर देन आई रियलाइज कि प्रोबेबली मेरी अप्रोच वॉज सिंसियर एंड आई रियली वॉन्टेड देम टू डू वेल इन लाइफ. सो एंड दे हैव डन. सही में यार, तुम्हारे मोटिवेशन देख के लगता है ना कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड. मतलब वर्ल्ड बेस्ट मोटिवेशन है. तुमको तुमको देख के भी तो सबको, कोई भी तुमसे तुमको कॉपी करता होगा. तुम भी तो एक एग्जांपल सेट की होगी मार्केट में. नहीं नहीं, पर तुमसे अच्छा एग्जांपल सेट नहीं किया है. मेरे देखो, मेरी जर्नी तो टफ थी. हाँ, वो तो हमने नोटिस किया. बट मैं सबको, मतलब अगर तुम पूछ रही हो तो मैं अब ये लाइंस मैं सबके लिए बोलना चाहता हूँ कि देखो, एक जिंदगी मिली है, उसके बाद क्या होता है, हम जिंदगी स्टार्ट करते नहीं हैं कि एस्पिरेशंस और मेरी इच्छाएं इतनी आगे आ जाती हैं कि मेरे को अच्छा बिजनेस चाहिए, पहले पढ़ाई लिखाई अच्छी चाहिए, मेरे को बिजनेस चाहिए, मेरे को बीवी बहुत सुंदर चाहिए, बहुत टैलेंटेड हो, मेरे साथ कदम चला चलेंगे, मैं हमेशा फ्लाइट्स में, प्लेन्स में जाऊं और हाई फाई और ब्रांडेड पहनूं, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब कि बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, फॉरेन ट्रेवल चाहिए, क्या नहीं चाहिए हर एक इंसान को. वही तो, लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी हो जाती है ना लाइफ से कि कुछ अगर नहीं मिलता है तो सोचिए ना, ये चाहिए, वो चाहिए. अरे भैया, एक तो उसमें एक छोटी सी, मतलब इच्छाएं इतनी ज्यादा आप अपने पाल के रखते हो. तो देखो, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि अचानक एक क्लाउड में से एक हाथ आएगा ऐसे करके और आपको सारा कुछ जो आप बोलते हो भगवान ये पूरा कर दो वो कर दो, ऐसे नहीं होता है. बट लेट्स बी प्रैक्टिकल, है ना. प्रैक्टिकल फॉर ऑल द यंगस्टर्स, आई मस्ट टेल यू, दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट सीम्स. देखो, यू हैव टू वॉक योर ओन जर्नी.
तुमको अपनी जर्नी पूरी करनी है, शॉर्टकट्स के लिए मत देखो, उसके पास ये सब देखो अपने टाइम जोन में है। जो वो जो पंच लाइन है ना वो है सब अपने टाइम जोन में है। कोई कब पैदा हुआ, कैसी सराउंडिंग्स थी, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी थी, उसके उसने क्या क्या सीखा, उसकी हैबिट्स क्या थी, उसकी फ्रेंड सर्कल क्या थी, तो उससे एक प्लस उसकी क्या अपनी अप्रोच बन गई। अगर उसने किसी को कॉपी किया है, इमिटेट किया है, तो वो फिर थोड़ा सा पीछे रह जाता है। हाँ। और यही फेलियर है जो लोगों को, मतलब चाहे वो किसी भी एज के हो, जो फेलियर एक जो होता है ना माइंडसेट, मतलब कि मैंने फेल कर गया, मुझे कुछ नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो, ये तो बहुत डीमोटिवेट करता है आजकल लोगों, और बहुत कॉमन हो गया आजकल। थोड़ा इस पे तुम मोटिवेशन अगर हमारे ऑडियंस को दे पाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मतलब थोड़ा तुम्हारी ऑडियंस कमाल है, तुमने अपनी ऑडियंस बना ली है, वेरी गुड यार। हां थोड़े बहुत जो भी है, देखो मेरे एक जिंदगी का मोटो रहा है। तुमको ये म्यूजिक डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है ना? नहीं नहीं, इतना अच्छा म्यूजिक, मतलब घुसते लगा कि वाह क्या, मतलब कैसी जगह पे आ गई, इतना सूदिंग, इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके पहले तुम रखते, इतना सुंदर ऑफिस, उसके ऊपर इतना अच्छा एनवायरनमेंट और फ्रेशनेस, क्या बात, मतलब बहुत बस, अच्छा। बस ट्राई किया है, बिकॉज जैसा चाहता था वैसा ट्राई किया है कि एक लाइट म्यूजिक और वो काम कर रहे हैं, तो आदमी ना जितना उतना लोड भी ले तो उसको बहुत लाइटली, जीवन को लाइटली ले। पर सब तुम्हारी तरह नहीं ना सोच पाते, बहुत लोग जो स्ट्रेसफुल जीवन जीते हैं। देखो मैं भी स्ट्रेस से गुजरा हूँ, ऐसा हाँ। नहीं कह सकते मैं, मेरा लाइफ बहुत, मेरा लाइफ बहुत अच्छा और बहुत बहुत स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रही है, सब टेढ़ा है, सबके इक्वेशंस लाइफ के लोग। हाँ। बट मेरा एक क्या सोचना है, मैं तुमको बताता हूँ फ्रेंकली, किसी काम से डरो मत, किसी काम से पीछे मत हटो। अच्छा। ये तुमसे नहीं होगा पहले अगर सोच लिया, देन यू आर द वन हु विल फेल फर्स्ट। हाँ, ये तुमसे नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छा। और विद द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय एफर्ट्स व्हाट हैज हैपेंड कि मैंने ऐसे ऐसे फील्ड्स को टच किया, शायद तुमको अभी नहीं पता हो, मैं एक पोएट्री राइटर भी, इंग्लिश पोएट्री राइटर। ओह माय गॉड, मतलब तो क्या क्या टैलेंट है। तो वो वाला भी एक फील्ड टच किया तो उसमें भी सक्सेस मिल गई, ठीक है। स्पोर्ट्स हुआ, अपनी पढ़ाई हुई, म्यूजिक में, आजकल म्यूजिक में मैं काफी अपना यूट्यूब पे गाने वाले भी डाल रहा हूँ कुछ। हाँ, कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेलियर देखते हैं अपने लाइफ के हर स्टेज में, मतलब अलग अलग स्टेज में, जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट है, यूथ है, उन्हीं को दिक्कत होती है, हर कोई फेलियर देखता है, हर एज में देखता है। तो लोगों की तरफ से मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं, तुम्हें उनके आंसर देने होंगे। अरे वाह, लोगों की तरफ से। हाँ? तो सबसे पहले जो लोगों में क्वेश्चन आता है ना, द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि लाइक पीपल सोचते हैं कि फेलियर अगर हो गया ना एक बार जीवन में तो वो एंड ऑफ द रोड हो जाता है, पर जो कि नहीं है, इस पे आपके क्या, मतलब तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस पे? देखो तुम्हारे क्वेश्चंस यही हैं कि और भी हैं? नहीं, और भी क्वेश्चंस हैं, पर पहला क्वेश्चन पूछो, फिर मैं तुमको वन शॉट आंसर दूंगा, बिकॉज़ वो बीच में मैं मिक्स अप हो जाऊंगा थोड़ा सा क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, तो मैं सारे क्वेश्चंस एक क्वेश्चन बता दूं, फिर मैं एक बार आंसर कर दूंगा, ऐसे हम लोग करते हैं सेमिनार्स में भी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन मेरा था ना कि मतलब अगर एक बार फेलियर हो जाता है तो कैसे हमारे फ्यूचर को, हमारे लाइफ को किस तरीके से वो इम्पैक्ट करता है, और जब एक बार फेलियर इंसान देख लेता है तो उसके बाद वो बहुत ही हेल्पलेस फील करता है खुद को, उसको लगता है कि बहुत ही डिमोटिवेट हो गया उसको, उसके कितने सारे क्राइसिस आते हैं, पेन्स आते हैं, और इसे वो ओवरकम कैसे हो, मतलब बाहर निकले कैसे, मतलब फेस कैसे करे दुनिया को, फिर सोसाइटी अलग हो जाती है जो टीजिंग स्टार्ट कर देती है, पीपल एक दूसरे का मजाक बनाने लगते कि यार तुमने अभी तक ये नहीं किया, तुमने अभी तक वो नहीं किया, ये कैसे कर लिया, तो उस सिचुएशन को कैसे कोप करें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन खोल रखे हैं तुमने। हाँ, फिर बहुत सारे, अब देखो क्या होता था, सबसे मेन जिनके साथ हमने स्टार्ट किया था अपना जर्नी, हमारे दोस्त, अगर हमारे दोस्त हमसे आगे निकल जाते ना तब हमें जलेसी आ जाती, तब तक तो अच्छा लगता है जब तक ग्रुप में थे, बातें कर रहे थे तब तक अच्छा लगता है, लेकिन जब वो आगे निकल जाते हैं, वो अपने लाइफ को आगे स्टार्ट कर लेते हैं और हम रुके रह जाते हैं किसी भी कारण से, किसी भी वजह से हम रुके रह जाते हैं, वो अर्निंग स्टार्ट कर दिया, ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दिया, जीवन को अपना इन्जॉय करे, पर हम वहीं रुक जाते हैं, इंटरनली कहीं ना कहीं हमें जलेसी आने लगती है, लगता है कि खुद को ही खाए जा रहा है हमारा मन, जब एकदम अच्छा सा नहीं लगता, तो इस सिनेरियो को लोग कैसे हैंडल करें, हमें और आगे कुछ ट्राई करना चाहिए कि अगर एक बार फेल हो गया तो फिर से वहीं रोक जाना चाहिए, जीवन हमारा खत्म हो गया, अब आगे हम उस दोबारा ट्राई नहीं करना, मतलब एक बार ट्राई किए फेलियर हुआ और फिर ट्राई नहीं करना, ऐसा तो नहीं होता है? नहीं, इतना नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकते आप। फिर एक दिक्कत ये और भी आती है कि एक बार फेलियर हो गया ना फिर वो हमारे अलग अलग जो लाइफ के फील्ड है उनको इन्फेक्ट करता है, बहुत अच्छा, हमारे रिलेशनशिप को, हमारे बिहेवियर को, हमारे प्रोफेशनल अप्रोच को, हर चीज को, हर एंगल से अफेक्ट करता है। वेरी ट्रू। और ये बहुत, मतलब
हम जब रह जाते ना पीछे, हम लैग करते ना पीछे, तो हमारे डिसीजन मेकिंग को बहुत सारी चीज़ों को हम ये अफेक्ट करता है। तो इस पे अपने थॉट्स बता के मतलब कैसे तुम लोगों को मोटिवेट करो कि फेलियर को कैसे ओवरकम करे, कैसे ओवर पावर करे, इस पे तुम्हारे कुछ। बाप रे, होमवर्क तो पूरा करके आ गई है ना, तो तुमको पता था मिलके ये पूछना पड़ेगा। हाँ, पहले से मैं जब पता है तुम्हारे सेशन देख के आया तो तुमसे मोटिवेशन की चार बातें मैं सुन ले तो फिर क्या फायदा। चलो फिर मैंने तुम्हारे सारे क्वेश्चन अच्छे से सुन लिए। देखो, मेरा एक छोटा सा मोटो है जिसको मैं तुमको गा के बताना चाहता हूँ। अच्छा, एक लाइन सुनाऊं? हाँ सुना। रुक जाना नहीं तू कहीं हाके, गांठों से रस्ते मिलेंगे साए बाहर के, ओ राही। कहने का मतलब है, पहले तो सिंगिंग के लिए सिंगिंग था बहुत अच्छा, आज भी तुम बहुत अच्छा गाते हो। अरे थैंक यू सो मच। तो क्या हुआ ना कि देखो, ये गाना था, अगर तुम ध्यान दो कि जीवन भी एक संगीत है, जीवन एक सॉन्ग है, यू शुड नेवर स्टॉप सिंगिंग योर सॉन्ग, इतना याद रखना। मतलब फॉर पीपल हु आर वॉचिंग मी नाउ, नेवर स्टॉप योर सिंगिंग, मतलब जीवन का सॉन्ग मतलब हो गया तुम्हारा प्रयास, तुम्हारी तुमको सीखने की कला, तुमको पाने की कला, तुमको जो भी जीवन में चाहिए। हम लोग कैसे सीखते हैं, हम लोग देखो इंग्लिश में कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वॉज बिल्ट ओवर द ईयर्स। मतलब आप एक कण कण लेकर, आप छोटी छोटी चीजें लेकर आप अपने आप को बनाते हैं, फिर उससे आपका कैरेक्टर होता है, उससे फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो आप हर छोटी चीज से सीखते हैं ना, उससे आप एक्चुअली मोटिवेट, आप सीखते क्यों हैं, क्योंकि आप उससे मोटिवेट होते हैं। सबसे पहली बात क्या है, आप कंपेयर करना बंद कीजिए। हाँ, अगर आप किसको कंपेयर करते हैं, कल कपिल देव अगर अच्छी बैटिंग करता हुआ तो उसका संघर्ष देखिए ना, आज सचिन वहां पर है, या फिर बड़ों बड़ों को और को देख लीजिए जो कहीं भी पहुंचा है। अब्राहम लिंकन को देखिए, कितने फेलियर थे। अभी के जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है मिस्टर बाइडन को देखिए कितनी, और उनकी वाइस प्रेसिडेंट को भी देखिए, वो कितने एफर्ट्स के बाद किस एज में जाके उनको सक्सेस मिल रहा है। बट द की वर्ड इज दे आर सक्सेसफुल एज ऑन डेट, दैट दे हैव नेवर गिवन अप। हाँ, ये बात गौर कीजिएगा आप, है ना। मतलब तो तुम हम मतलब जो तुम आप मतलब मैं सबको कह रहा हूँ ना। तो कहने का मतलब छोटी छोटी चीजें, मैंने भी बहुत लोगों से, कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, आप अपने सराउंडिंग्स में अपने कान और दिमाग खुला रखते हैं, आप सीखते हैं। देखिए, अगर कोई आदमी कोई एग्जाम पास कर रहा है, मैं जब सी ए लाइन में, तो मैं साइंस स्टूडेंट, जब मैं सी ए लाइन के लिए मैंने इसके लिए एमबीए कर रहा था, पहले मैं एमबीए कर रहा था, एमबीए करते करते अचानक शौक आ गया सीए का। मेरे को इतना तक कहा गया कि मिस्टर सिंह, यू डू नॉट नो व्हाट डेबिट एंड क्रेडिट इज, व्हाई आर यू डूइंग दिस कोर्स। Oh my God. तो मेरे के लिए उस समय, उस एक सेकंड के लिए मेरे को, फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, नो द नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट लेट यू आस्क दिस क्वेश्चन। मैंने आके आई जस्ट पुट माय हेड डाउन एंड स्टार्टेड डूइंग थिंग्स, लर्निंग एंड जो मेरे से हो सका, किसी से भी मिलके मैं किसी से भी वो नॉलेज लेता था। जो लोग मेरे को जानते हैं दे नो वेरी वेल कि हाँ, कि ये मतलब ये किसी से भी कुछ भी पूछ सकता है। मेरे से वो बड़ा है, छोटा है, डजंट मेक। देखो, मेरे को जब भी सीखना होता था ना, मैंने कभी भी शर्म नहीं की, मतलब नेवर हेजिटेंट ऑन दिस दैट आई हैव टू आस्क दिस पर्सन, ये मेरे से छोटा है, मेरे से बड़ा है, शायद ये मेरे से कम जानता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सबसे जो नॉलेज मेरे को जिससे मिल सके, बिकॉज मेरे को पता है मेरे बिल्डिंग ब्लॉक्स, मेरे बिल्डिंग स्टोन्स जो हैं, ये सारी छोटी छोटी नॉलेज है। मैंने अगर किसी से कुछ, किसी को कुछ देखा तो उसे अपने आप को कंपेयर नहीं किया, मैंने उससे कुछ सीखने को कोशिश किया। उससे जानते हैं क्या होता है ना, आपको इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा ना आपको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। कि आप उससे ज्यादा जानते हैं कम जानते हैं। मेरी दुनिया, ये मेरी जर्नी है, आई हैव टू वॉक माई ओन माइल, आई मीन नोबडी एल्स विल कम एंड असिस्ट मी। मैंने ये सोच के सीखा, और मेरे को असिस्टेंस वैसे मिलती भी नहीं थी, मतलब ठीक है व्हाटएवर, मैंने आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बिकॉज हर का अपना जीवन है। हाँ, ये तो हर का जीवन है, हर के अपने सपोर्ट सिस्टम है, जैसे जिसका सपोर्ट सिस्टम वैसा उसको उसके सक्सेस है। तो बट अगर आपको डिफाइन करता है इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट, अगर आपको पता ही नहीं आपको करना क्या है, दिस इज द वर्स्ट पार्ट। आपको पहले अपना, आप यू मस्ट ड्रॉ योर लाइन कि मेरे को यहाँ तक जाना है, मेरे को ये करना है। देखिए, हम लोग और अमेरिकन में क्या फर्क आ जाता है, एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइन आपको दूंगा, तुम्हें दूंगा,
मैं इतने दिन बाद मिली ना, तुम तो छोड़ दिया, मैं तो आपको आपको कर रहा हूँ। कोई नहीं, इतना रिस्पेक्ट दे दिया करो, कभी कभी अच्छा लगता है। देखो अमेरिका में क्या होता है या दूसरी कंट्रीज में क्या होता है, तुम्हारे पास 1,00,000 रुपया है और इंडिया में 1,00,000 रुपया मेरे पास है, मैं सोचता हूँ कि मेरे को ये काम करना है, 1,00,000 में कैसे होगा, ठीक है, और वो लोग कैसे सोचते हैं ये काम करना है, इसके लिए कितने पैसे चाहिए। ओ, उनका अप्रोच ही अलग है। उनका अप्रोच अलग है, मेरे को ये काम करना है इसके लिए क्या पैसे, और हम सोचते हैं कि मेरे पास 1,00,000 रुपये इसे क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो कितना हमने अपने पे बंदिश लगा दिया, ठीक है, we are not doing right for us, कि हम यहाँ पे अपने आपको लाइन ड्रॉ करके बैठ गए, गलत लाइन ड्रॉ करके बैठ गए। अब फॉर स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स क्या है कि देखो तुम्हारा प्लस टू के बाद हार्डवर्क है, तुम्हारा प्रोफेशनल लाइफ है, ठीक है, तुम्हारे पास एक रूटीन, एक लाइफ की रूटीन भी होना बहुत जरूरी है, कि तुम अपने आप को स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व कर रहे हो, तुम अपने आप को थोड़ा सा जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो भी है, तुमको पढ़ना भी है, सारा को बैलेंस करके जब तक तुम नहीं चलते हो, अगर तुम बैलेंस नहीं कर पाते हो तो सबसे पहली गलती वहाँ पर है। तुम्हारे एक लाइफ का रूटीन होना चाहिए, इस रूटीन के हिसाब से तुम चलो, ठीक है, मतलब अपने आप को सक्सेस को लिखने के लिए बिना तुम्हारा डेफिनेशन कंप्लीट हो जाए, दिस आई वांट टू डू दिस इन माय लाइफ इन 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, फॉर दिस आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, सिर्फ बोल देना एक लाइन में कि मेरे को 10 साल के अंदर मैं 2 करोड़ रुपए कमा लूंगा, दिस इज अ वेरी वेरी इमेच्योर स्टेटमेंट, मेरे को 2 करोड़ कमाने हैं बाय डूइंग दिस, बट ऑफकोर्स देखो लाइफ का पता नहीं होता ना कब कैसे हार्डशिप्स लाइफ में आ जाए, तो वो प्रोविजन रखें चलने चाहिए, कि अगर मैं बैंकिंग के जॉब में जा रहा हूँ, अगर बैंकिंग का मेरा जॉब नहीं होता या फिर किसी कारण से तुम एक लड़की हो, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी करा देंगे, तो उस समय तुम्हारे पास क्या दूसरे, तो तुम एक दूसरी लाइन सोच के रखनी चाहिए, अगर अभी बैंकिंग नहीं जा सकती, शादी के बाद कैसा होगा क्या होगा, तो कम से कम मेरी जो मैंने पढ़ाई की है वो मेरी वेस्ट ना जाए, तो ऐसे करके तुमको जुड़े रहना है। द बेस्ट पार्ट इज That you don't have to leave the field. बीच में छोड़ के भागने नहीं। हाँ, ये तो है। अभी बहुत लोग मिलते हैं सीए, हमारे सीए लाइन के ही मिलते हैं, कि हम लोग 3 ग्रुप्स का फाइनल कर चुके थे, लास्ट ग्रुप में अचानक क्या हुआ कि मेरी शादी हो गई। What the hell यार, who stopped you for not doing, I mean who stopped you in pursuing your course? You should have finished it. तुम 75% कर चुके तो थोड़ा सा वो नहीं कर पाए, वो छोड़ के बैठे हुए हैं। उस तरह छोटी छोटी चीजें होते रहते, बट देखो लर्निंग इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, तुमको लर्निंग हमेशा करते रहना पड़ेगा, ये तो लाइफ लॉन्ग है, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा मैंने जैसे कहा ना, लाइफ में गाना गाते रहो यार, मतलब अपने आप को ना मस्त भी रखो, ऐसा मत करो अगर तुम एक प्रोफेशनल हो गए हो तो तुम्हारी जान निकली जा रही है पैसों के लिए। देखो पैशन अगर तुम्हारे पास है, लाइफ में पैशन तो होना जरूरी है, तो अगर पैशन है तो तुम्हारे पास पैसा भी है, अगर तुम्हारे पास पैशन नहीं है तो आई एम सॉरी कि तुम फिर पैसे के पीछे भागते रहोगे। ऐसी एक ओहायो यूनिवर्सिटी में स्टडी हुई थी यूएस में, वहाँ पे था कि शायद 2000 लोगों पे हुई थी, 10 साल तक स्टडी हुई थी, 10 से 20 साल तक, उसमें ये देखने को मिला था जो लोगों ने पैशन को फॉलो किया ना, दे वर फार रिचर देन द पीपल हु वर रियली आफ्टर वेल्थ, जो पैसा कमाने के चक्कर में थे उनसे बहुत ज्यादा जो पैशन थे। उसी को देख लो ना, तुम्हारे 3 इडियट्स देख लो, 3 इडियट्स में क्या क्या नाम था उसका, वांट यू क्या नाम था, जो आमिर खान का क्या नाम था, मुझे भी याद नहीं है, नहीं, उसमें देखो मतलब ये देखो हम जब देखते हैं, या अगर तुमको कपिल देव का एक वो होगा स्टेटमेंट है था, एक बजाज स्कूटर के लिए था, एक चैंपियन क्या होता है, चैंपियन वो होता है जो हमेशा चलता रहता है, छोड़ना नहीं है, फील्ड छोड़ना। तो क्या है ना कि आप जब बैठे हुए तो इफ यू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, तो आप क्या ना यू लर्न फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। अगर वो सीए कर सकता मैं कर सकता था, मैं साइंस स्टूडेंट तो क्या हुआ, ठीक है, मेरे फैमिली बिजनेस, मैं फैमिली बिजनेस भी कर रहा था, अचानक मन करके ठीक है मोटिवेट कर लिया, अपने आप को मोटिवेट करके उसके बाद उस लाइफ में मेरे को बहुत हार्डशिप मिली। मैं कभी फर्दर वीडियो में तुम्हारे साथ हम लोग बैठेंगे किसी कॉफी शॉप में बैठेंगे, वहाँ पर तुमको बताऊंगा क्या क्या हुआ। लाइफ टफ है, साइंस से तो मैं कॉमर्स में इधर आना सीए करना सही में खुद में एक बहुत बड़ी स्टोरी है। मेरा एमबीए भी चल रहा था, एमबीए करते करते मैंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, ये स्टोरी भी कभी ऑडियंस को जरूर सुनाना। बट उसके बाद मैं वहाँ पे एग्जांपल सेट हो गया, अच्छा, कि ये एक बंदा जो अपना बिजनेस भी कर रहा है, उसके बाद एमबीए भी कर रहा है और सीए भी कर सकता है, तो आपको क्या, आप तो स्टूडेंट्स हो, आपको आपकी तो कोई ड्यूटी नहीं है, वो तो ड्यूटी भी कर रहा है अपनी। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज यू नो, मैं छुट्टी किसे मांगू, मेरा अपना बिजनेस भी चल रहा है, मैं छुट्टी किसे मांगू, मैं छुट्टी भी नहीं, मेरे को अपने से मैनेज करना पड़ता है तीनों कोर्स।
और भी बहुत कुछ था, हार्डशिप्स थी लाइफ में, बट मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि बॉस डोंट रन अवे, भागना मत, अपनी फील्ड छोड़ के भागना मत। अच्छा। तुमको अपने आप को देखो, मैं तुमको अपनी बातों से एनकरेज कर सकता हूँ, मोटिवेट फाइनली तुमको खुद को करना है, मोटिवेट तुमको करना है। मैं एनकरेज करूंगा, मैं अच्छी तुमको बात बताऊँ, बट मैं तुमको, मैं इतना कुछ करने के बाद बोलने लायक, इसने मेरे को कहा कि मैं बोलने लायक हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सेमिनार्स में, क्लासेस में हम लोग दूसरी बातें भी करते हैं कि व्हाट इज योर सक्सेस, व्हाट हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस इन योर लाइफ, तो वो फिर अलग अलग देखते देखे 100 आदमी का अगर सेमिनार में ले रहा तो 100 आदमी के कम से कम नहीं तो 60-70 जवाब मिलेंगे अलग अलग, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं जीवन को लेकर। और मेरे पास ऐसे स्टोरीज और वो सब कहानियाँ स्टोरीज करके मैं मोटिवेट नहीं करता, मैं एकदम हार्ड फैक्ट्स पे करता हूँ कि दैट यू आर देयर। देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मेरे पास अकाउंटेंट था जो टोटलिंग ऐसे करता था, तो मेरे को लगता है ये झूठ बोले, झूठ बोल के टोटलिंग करता है, ये कैलकुलेटर से हो सकती है, ठीक है, मैं देखा नहीं वहाँ से कर लेता है, तो मैंने कहा अगर ये कर लेता तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं इसे सीख तो सकता हूँ, मैं कॉपी इतना फास्ट करूंगा, ये कंपैरिजन नहीं करना मेरे को। अच्छा। तो मैं क्या करता था, मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, स्कूटर से जा रहा होता था, तो सामने जो नंबर प्लेट होती जिसकी अगली गाड़ी थी उसको मैं टोटल करता था, 2-4-5 स्पोर्ट्स में गए, मैं क्रिकेट खराब खेलता था, उसके जब क्रिकेट है तो फिर मैंने स्कूल से निकल के मैंने कहा मैं क्रिकेट खेल के दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने घंटों बुक्स लेकर फिर वहाँ पे प्रैक्टिस सेशन में जाके अपने से सारा अरेंजमेंट करके उसके बाद मैं अपनी टीम के लिए ओपनिंग बैट्समैन बन गया, फिर एक दिन बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड भी लिया। सीए के लाइन में मेरे को ऑडिट में इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट मेरा रिकॉर्ड रहा। अरे वाह। तो मैं क्या कह रहा हूँ ना, आप करना चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो, आफ्टर वो भी इंसान है, अगर शाहरुख खान ने मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं, बाकी लोग बाकी भी दुनिया के स्टार्स हैं, अगर सुनीता विलियम्स वहाँ पे जा सकती है, हम लोग यहाँ से लोग सब कुछ, हम लोग जैसे इंसान हैं, हम उससे बाहर नहीं है, हम लोग सब एक जैसे हैं, कोई सुपर पावर तो किसी में कोई सुपर पावर नहीं है, बस वो आपकी अप्रोच और आपका 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 डेडिकेशन, आप कितना ये कर सकते, ए ज्यादा तो मैं नहीं, तुम कुछ ज्यादा कर लिया तुम बोलिए, तुम तो सेमिनार स्टार्ट कर, लेकिन बहुत अच्छा लगा तुम्हारी इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के, मतलब मुझे लगता है लोगों को भी बहुत मोटिवेशन हुआ होगा इसको देख के। देखो मैं तो ट्राई कर रहा हूँ कि अगर मगर मेरे से किसी को कुछ पूछना है एनीबॉडी इज फ्री टू कम टू मी एंड आस्क मी, मैं जो बेस्ट हो सकता हूँ करूंगा, सब किसी के लिए भी करूंगा। अच्छा आपसे कुछ मतलब तुमसे कुछ पूछना हो किसी को तो कमेंट सेक्शन में सब पूछ सकते हैं ना। हाँ हाँ यार क्यों नहीं, बिकॉज मैं इतनी बातें कर सकता हूँ तो कमेंट सेक्शन में 2-4 कमेंट्स को या 10-100 किसी को भी कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में सर से पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे। कॉफी अभी तक नहीं आई, शायद तुमने गलत ऑर्डर दिया, बंद करो, चलो 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 कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते हैं कुछ खाते हैं, चलो चलो तो उसको बंद करते हैं, चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक, माय बेस्ट विशेस।